जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की सीरीज है वो अपने स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में हम भूगोल की आपकी पहली बुक के पहले चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से है वो शुरुआत कर रहे हैं। आपको यहाँ पर इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उन क्वेश्चंस को और उनके आंसर को अच्छे से तैयार कर लेना है। बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर में से इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न हैं वो मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? रेटजेल, एलन सैंपल ब्लास या ग्रिफिथ टेलर? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है, ध्यान रख लेना, दो शब्द, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, गत्यात्मक मानव की बात हो रही है। ये दोनों शब्द दिखते ही आपके पास उत्तर आता है एलन सैंपल की, ये मानव भूगोल की परिभाषा है। ध्यान रखिएगा, इस यहाँ पर परिभाषा दी गई है और आपको देने वाले का नाम बताना है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है भी एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, तो आपको इसको अच्छे से तैयार है वो करना है परिभाषा को। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखिए, मानव भूगोल की कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? भी कौन सी जो संकल्पना है वो ये मानती है भी प्रकृति ही सब कुछ है, तो आंसर बताइए, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद या प्रत्यक्षवाद? तो सही आंसर है पर्यावरणीय निश्चयवाद, जो कि प्रकृति की सर्वोच्चता को मानता है, भी प्रकृति ही सब कुछ है। अच्छे से तैयार कर लेना प्रश्नों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखिए, रुको और जाओ निश्चयवाद या नवनिश्चयवाद, दोनों किसी नाम से पूछा जा सकता है, रुको और जाओ निश्चयवाद या नवनिश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? रेटजेल, एलन सैंपल ब्लास या ग्रिफिथ टेलर? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न, मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुसरण, अनुग्रहण, प्राकृतिकरण या मानवीकरण? क्या कहलाती है? मानव को प्रकृति के अनुसार, मानव जो प्रकृति के अनुसार खुद को ढाल लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना, ऐसे भी पूछा जा सकता है मानव का प्राकृतिकरण किसे कहते हैं, तो मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने की प्रक्रिया मानव का प्राकृतिकरण कहलाती है। अच्छे से तैयार करना है आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा, किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं, माता माना गया है? तो भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, औद्योगिक पर्यावरण? तो सही आंसर क्या हो गया? भौतिक पर्यावरण को माता प्रकृति तत्व है वो कहा जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, छठा क्वेश्चन, मनोविज्ञान मानव भूगोल की किस उपशाखा से संबंधित है? तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान है ये किसके अंदर आता है, मानव भूगोल की किस ब्रांच में, व्यवहारवादी, नगरीय, जनसंख्या या आर्थिक भूगोल भी ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है व्यवहारवादी भूगोल के अंदर, व्यवहारवादी भूगोल के अंदर। मनोविज्ञान किस में शामिल है? व्यवहारवादी भूगोल के अंदर शामिल है। इसको आप अच्छे से तैयार है वो कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देखिए, महामारी विज्ञान मानव भूगोल की किस उपशाखा से संबंधित है? महामारी बीमारियों वाली है, तो देखिए ऐतिहासिक, लिंग, चिकित्सा या सैन्य में किस में आ जाएगा? चिकित्सा, चिकित्सा भूगोल। तो व्यवहारवादी भूगोल, चिकित्सा भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ये भूगोल हैं, ये किसके अंतर्गत आती है? ये सामाजिक भूगोल के अंदर आने वाले विषय हैं। तो महामारी है वो चिकित्सा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न देखिए, क्या निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम है वो नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता है, स्थानिक संगठन है, अन्वेषण और वर्णन है, तो क्या नहीं है? मात्रात्मक क्रांति है वो नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रश्न की भाषा में नहीं पूछा है इनमें से कौन सा नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न देखिए, मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का प्रारंभ किस दशक से माना जाता है? उत्तर आधुनिकवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? 50 से, 70 से, 80 से या 1990 के दशक से? तो सही आंसर है 1990 के दशक से। दसवां प्रश्न है कि मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया? मानवतावादी विचारधारा, कल्याणपरक विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा या व्यवहारवादी विचारधारा? तो मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग करने वाली विचारधारा कौन सी है? अमूलवादी विचारधारा है, जिसे रेडिकल विचारधारा भी कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे बात करते हैं, ग्यारहवां प्रश्न देखिए, क्या निम्न में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? इनमें से ये बताना है भी कौन से बात का संबंध है वो भूगोल से अब नहीं है, जो भूगोल की व्याख्या नहीं करती है। पहला है समाकलात्मक अनुशासन, दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, तीसरा द्वैतता पर आश्रित, और चौथा है प्रौद्योगिकी के विकास फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो इसका वर्णन नहीं करता पूछा है, तो इसका सही आंसर 4 नंबर होगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी के विकास फलस्वरूप आधुनिक समय में ये प्रासंगिक है, इसने नहीं शब्द कर रखा है, तो इसका सही आंसर है वो 4 नंबर होगा, नहीं बताना है इसके अंतर्गत। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 12वां, क्या निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यात्रियों के विवरण है भाई, प्राचीन मानचित्र है, प्राचीन महाकाव्य है, तो कौन सा नहीं है? चंद्रमा से चट्टानी, चंद्रमा से क्या कर रहे हो, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने हैं, वो इसके अंदर इसका उत्तर होगा। 13वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? लोग और पर्यावरण के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक मानव बुद्धिमत्ता, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा या प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी है भी, प्रौद्योगिकी तकनीकी जिसको कहते हैं, तो लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इस प्रश्न को तैयार करना है। आगे आप देखिए, प्रश्न है 14वां, का प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, मानव भूगोल की ये विचारधारा क्या कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, तो प्रकृति का जब मानवीकरण होता है तो वो कौन सी विचारधारा? वो संभववाद कहलाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तैयार कीजिएगा इसको, संभववाद क्या है, प्रकृति का मानवीयकरण क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आगे देखिएगा 15वां क्वेश्चन, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव समाज और धरातल शब्द आ गए तो ये परिभाषा किसकी है? रेट जेल की, मानव भूगोल को लेकर दी गई रेट जेल की परिभाषा है। एक ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने एलन सैंपल की परिभाषा पढ़ी, अब हम रेड जेल की परिभाषा यहाँ पढ़े हैं, दोनों को अच्छे से तैयार करना है, बोर्ड परीक्षा में 100% ये एक परिभाषा इनमें से आएगी। और अगर सिर्फ ऐसा आ जाए ना भी मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए, तो कोई भी आप एक परिभाषा इनमें से लिख सकते हैं। तो ये थे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आगे कुछ वन लाइनर और दो दो नंबर वाले प्रश्नों के हिसाब से बात करें, तो अगला अच्छा प्रश्न है कि भूगोल की कोई दो प्रमुख शाखाओं के नाम बताइए। तो भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं भी, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ, साथ में ऐसे हेडिंग बना सकते हो, भूगोल की दो मुख्य शाखाएं निम्न है, फिर नंबर एक भौतिक भूगोल, नंबर दो मानव भूगोल, आ जाएंगे भी इन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड परीक्षा में। फिर है आर्थिक भूगोल के चार उपक्षेत्रों के नाम बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्थिक भूगोल, भूगोल की एक ब्रांच है मानव भूगोल की, और इसके चार उपक्षेत्रों के नाम हैं। आपने 6 पढ़े हैं, उनमें से कोई चार, जैसे संसाधन भूगोल हो गया, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, उद्योग भूगोल हो गया, उसके अलावा विपणन यानी मार्केटिंग भूगोल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल हो गया, इन 6 में से कोई 4 नाम अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करें, 18वां प्रश्न देखिए, राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र कौन से हैं? पहले आर्थिक का पूछा था, अब राजनीतिक का पूछ लिया, तो दो ही हैं, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल किस में आते हैं? राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत शामिल रहते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, 19वां है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद में किसकी शक्ति की प्रधानता होती है। तो देखिए पहले प्रश्न की लैंग्वेज यूज की है हमने उत्तर में कि पर्यावरणीय निश्चयवाद में प्रकृति की शक्ति की प्रधानता रहती है, तो जो उत्तर की लाइन हम पढ़वाना चाहते हैं एग्जामिनर से उसको हमने अंडरलाइन कर दिया और प्रश्न की भाषा को ही उत्तर में लिखकर हमने लाइन बना दी। पर्यावरणीय निश्चयवाद में प्रकृति यानी नेचर की शक्ति की प्रधानता होती है, तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 20वां है कि यहाँ न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है, इसका संबंध किस विचारधारा से है। इसका संबंध है नव निश्चयवाद विचारधारा से, यानी रुको और जाओ वाली जो विचारधारा है जो ग्रिफिथ टेलर ने दी उससे है, क्योंकि ये मध्य मार्ग को अपनाए हुए हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है ये, नव निश्चयवाद है ये, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 21वां, क्या पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को कौन सी संकल्पना परिलक्षित करती है और इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो पहले हम प्रश्न की भाषा को इस्तेमाल करते हुए उत्तर में लिख लेंगे, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को नव निश्चयवाद लिखो अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद, दोनों लिखो या कोई एक नाम लिख दो। नव निश्चयवाद संकल्पना परिलक्षित होती है और इसका प्रतिपादन किसने किया है, ग्रिफिथ टेलर ने। तो इसमें आप नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद कोई एक लिख लीजिए और देने वाले का नाम ग्रिफिथ टेलर है। बहुत प्यारा प्रश्न है जी ये। आगे देखिए 22वां क्वेश्चन, कि आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल इच्छा शक्तियों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया को किस शब्दावली से अभिव्यक्त किया जाता है। आदि मानव समाज है और नेचर है, क्या इनके बीच की जो क्रिया किस शब्दावली से, तो डायरेक्ट उत्तर तो एक ही शब्द का है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो ये क्या कहलाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो क्या है पर्यावरणीय निश्चयवाद, आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल इच्छा शक्तियों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा जाता है, या ये इसकी परिभाषा देकर ये पूछा जा सकता है भाई ये क्या चीज होती है, तो पर्यावरणीय निश्चयवाद होता है ये। बहुत प्यारा प्रश्न है। अगला देखिएगा प्रश्न 23वां, कि प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं। एक याद कीजिए पीछे ऑब्जेक्टिव में आया था कि मानव का प्रकृतिकरण और अब उसका उल्टा, प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं। तो मानव द्वारा प्रौद्योगिकी, आप तकनीकी लिखो, टेक्नोलॉजी लिखो, प्रौद्योगिकी शब्द लिखो, मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए अब 24वां प्रश्न, क्या 1970 के दशक में, पहले प्रश्न की बात कर ले, 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन विचारधाराओं का उदय हुआ। कई बार तो सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए 1970 के दशक में तीन विचारधाराएं आई थी, तो उनके नाम और लक्षणों की एक एक लाइन में उनको भी ध्यान में रख लें बाई चांस पूछ लिया जाए। तो तीन विचारधारा कौन सी है, पहले तो वो देखो, एक तो है कल्याणपरक जिसका दूसरा नाम है मानवतावादी विचारधारा, दूसरा है अमूलवादी या जिसे इंग्लिश में रेडिकल कहा जाता है, और तीसरा है व्यवहारवादी। एक एक करके देखें तो कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा की बात करें तो इसका संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के पक्षों से है। सामाजिक कल्याण मतलब उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से होता है, तो लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास संबंधी चीज़ों के पक्षों के ऊपर बात करने वाली विचारधारा है वो कल्याणपरक या मानवतावादी है। दूसरी है अमूलवादी या रेडिकल, इसका संबंध ये है भी गरीबी के कारण क्या है ये पता लगाना और समाज में असमानता क्यों है इससे है, गरीबी के कारण और सामाजिक असमानता के इन इन मुद्दों पर जब बात की जाती है तो वो अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा है और इसके अंदर मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तो किस विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है, अमूलवादी विचारधारा में। तीसरी व्यवहारवादी है, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ धर्म और प्रजाति पर आधारित सामाजिक वर्गों पर भी जोर है वो दिया गया है। तो ये तीसरी व्यवहारवादी विचारधारा होगी जो 1970 के दशक में आई, ये तीनों। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा, हमने तीन जो प्रमुख विचारधारा है पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद में अंतर की बात है। यहाँ अंतर रूप में याद रखने का मतलब है भी बाई चांस अंतर आ जाए तो शॉर्ट तरीके से हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो
तो हम एक तरफ पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद तीनों लिख लिए और तीनों की बातें कर लेते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद में क्या है, इसमें प्रकृति को अधिक प्रभावी माना गया है, और संभववाद में इसमें मानव को अधिक प्रभावी माना गया है, और नवनिश्चय में आप लिखेंगे भी इसमें प्रकृति और मानव में सामंजस्य पर जोर दिया गया है, भाई मिलके काम करते हैं दोनों। इसमें प्रकृति कहते हैं सब कुछ करती है, इसमें कह दिया मानव सब कुछ करता है, और इसमें कह दिया दोनों मिलकर करते हैं। तो प्रकृति और मानव में सामंजस्य पर जोर दिया गया नवनिश्चयवाद में। इसी प्रकार आगे बात करें अपने तो पर्यावरणीय निश्चयवाद में इसमें प्रकृति को अधिक प्रभावी माना गया है, इसका मतलब जो मानव है वो प्रकृति का दास है। इसमें मानव को अधिक प्रभावी माना गया, इसका मतलब ये प्रकृति का स्वामी है। और इसमें क्या कहा गया, इसमें मध्य मार्ग की बात कही गई है, इसे रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है। तो इसमें मध्य मार्ग को, बीच के मार्ग को अपनाया गया है। उसके बाद एक अंतर रूप में आप ये समझ लें, जो रेड जेल है, एलन सेपल है, ये पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक है। विडाल डी लाबलास है जो फ्रांस से संबंधित है, ये संभववाद के समर्थक है। और ग्रिफिथ टेलर अमेरिका वाले जो माना जाता है, जिन्हें अमेरिका के हैं, ग्रिफिथ टेलर है, ये नवनिश्चयवाद यानी रुको और जाओ के ज़्यादा समर्थक है। तो इस प्रकार से आपने इस चैप्टर के 25 क्वेश्चनों को आज अच्छे से समझा है, और मैं कहता हूं अगर आप ये 25 प्रश्न, ये 25 लाइनें अगर इस चैप्टर की, पहले चैप्टर की तैयार कर लेंगे, तो आज 2022 बोर्ड परीक्षा में ये 4 नंबर का चैप्टर है, आपके 4 में से 4 मार्क्स आएंगे, बशर्ते समझते हुए आप इन 25 के 25 प्रश्नों को दिमाग में सेट कर लें, इन्हीं में से आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न मिल जाएगा। बात सिर्फ राजस्थान की ही नहीं है, राजस्थान के बाहर की वो स्टेट जहां पर ये सिलेबस एनसीईआरटी वाला चलता है, उन सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये पेपर है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको कोई पीडीएफ फॉर्म में कोई चीज़ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संगरिया के नाम पर, आप वहाँ पर जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो आप उसको। और बाकी अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप प्लेलिस्ट में जाकर भूगोल, राजनीति, विज्ञान, उन सभी के वीडियो को आप अच्छे से सुन के अपना रिविज़न है वो कर सकते हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, कैसा लगा आपको ये सेशन, ताकि आपके कमेंट पढ़कर मैं डिसीजन ले पाऊँ भी अगले चैप्टर्स के इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पहुँचाने हैं या नहीं पहुँचाने। तो अच्छे से जवाब दीजिएगा, आप अगर चाहेंगे तो अगले चैप्टर्स के ही, या यूँ कहूँ भी इस पूरी ज्योग्राफी के, आपके चैप्टर वाइज इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं इस प्रकार से आपको उपलब्ध है वो करवा दूंगा, लेकिन निर्णय आपके कमेंट के आधार पर होगा, बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।